बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। मौसम बदल जाते हैं, साल में 12 महीने आते हैं, पूरे साल हम सब्जी और फसलें उगाते हैं, मेहनत की रोटी बड़े चाव से खाते हैं, तभी तो हम किसान कहलाते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी मेहनती किसान भाई बहनों का मैं नमिता स्वागत करती हूं। आज के इस अंक में हम जानेंगे सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था एवं योजनाओं के बारे में, साथ ही साथ गर्मा लत्तेदार सब्जी में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में आज हम आपके साथ बातें करेंगे। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कर सकते हैं बकरी, सूकर, मुर्गी और बतख पालन। कोडरमा के पशुपालक अनुदान पर ले सकते हैं पशु आहार। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण बकरा बकरी योजना, सुकर विकास योजना, बैकयार्ड लो इनपुट लेयर कुकुट पालन योजना, बॉयलर कुकुट पालन योजना और बत्तख चूजा वितरण योजना से लाभ ले सकते हैं। इन योजनाओं में STSC कोटि के असहाय विधवा एवं दिव्यांग महिलाएं, निसंतान दंपत्ति, निसंतान महिलाएं और निसंतान दिव्यांगों को 90% अनुदान दिया जाएगा, जबकि STSC कोटि के सभी लाभुकों को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। कोडरमा जिला में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर पशु आहार और पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संतुलित पशु आहार की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 25% का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावे एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर और अन्य मिनरल मिक्सचर की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50% अनुदान दिया जा रहा है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाले शीतवर्धक सप्लीमेंट पर भी 50% अनुदान उपलब्ध है। राज्य के जिन किसान भाइयों के पास कम जमीन या छोटी जोत है, वे उस भूमि पर समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। इसके लिए बकरी पालन, सुकर पालन, गौ पालन कर सकते हैं। साथ ही उस जमीन पर धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, सब्जी और फलदार फसल की खेती कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि छोटा जोत होने पे किसान लोग एक ही फसल में जोर देता है, चाहे वो धान हो या कोई अन्य फसल हो, लेकिन समन्वित कृषि प्रणाली में आप लोग अगर इसमें अलग अलग कृषि प्रणालियों का उपयोग करेंगे, आपका जोत कम है तो आपको पशुपालन को अपनाना होगा। उसमें एक आपका जो अवयव रहेगा उसमें पशुपालन मुख्य अवयव रहेगा, जिससे में आप चाहे बकरी भी रख सकते हैं, जो लोग गाय रखना चाहते हैं गाय रखना चाहते हैं गाय रखिए, सुअर पालन यहाँ के लिए बहुत बढ़िया है। तो एक आपके पास में पशुओं के साथ फ़ायदा यह रहेगा कि उसके साथ जो आपका गोबर का खाद, उसका गौमूत्र है, उसका फ़ायदा आप अपने जो कृषि है उसमें लगा सकते हैं। साथ में आपका जोत कम है तो आपको ऐसा प्लानिंग करना होगा कि आपको आपके कम जमीन से आपको जो जमीन है उससे सालों भर आपको अपने घर के लिए खाने का सामान मिलता रहे। किसान भाइयों, आपके पास यदि सिंचाई की सुविधा है तो मार्च से मई तक ओल फसल लगा सकते हैं। झारखंड में ओल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री पद्मा लगाएं। किसान भाइयों, ओल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। ओल की बुआई के लिए
40 सेंटीमीटर व्यास और 40 सेंटीमीटर गहराई वाला गड्ढा खोदें। इसमें आधा किलोग्राम वजन वाले ओल के टुकड़े यानी बीजों को लगाएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए अनुसंचित उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्रीपद्मा लगाएं। उनकी उत्पादन क्षमता औसतन 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए मित्र कीटों की सहायता से जैविक उपचार करें। इसके लिए भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 1-1 सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। बंधक कीट और फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, जिस तरह सूरज की रोशनी हम सभी मनुष्य पशु पक्षियों के लिए आवश्यक होती है, ठीक उसी तरह हमारे फसलों और सब्जियों के लिए भी सूरज की किरणें बहुत ही जरूरी होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था आप कैसे करेंगे, साथ ही साथ इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, आपको किन बातों पर ध्यान देना है और आप इनसे कैसे लाभान्वित होंगे। भारत के तमाम राज्यों सहित झारखंड के किसान भी वर्तमान समय में सिंचाई के लिए पंप सेट पर निर्भर हैं। सिंचाई पंप सेट चलाने के लिए या तो डीजल चाहिए या बिजली, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए बार बार मूल्य चुकाना होता है, जिसके लिए काफी धन की जरूरत होती है। साथ ही खनिज तेल सीमित है, ये एक दिन पूरी धरती से खत्म हो जाएगा। क्या तब खेती नहीं होगी? जरूर होगी। इसी की पहल है जोहार योजना, जिसमें सूरज की किरणों से यानी सौर ऊर्जा से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। किसान भाइयों को सिंचाई की व्यवस्था कैसे करनी है, किस तरह की योजना है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी भी किसान झारखंड में परंपरागत विधि से पंप के द्वारा, डीजल पंप सेट या विलियर्स इंजन के द्वारा या मोटर पंप, इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा सिंचाई करते आ रहे हैं, जिसमें उनको काफ़ी खर्च भी होते हैं, बिजली की खपत भी होती है। और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि डीजल का जो दाम है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो किसानों की लागत भी बढ़ रही है। और समय पर डीजल नहीं मिलने से या उपलब्ध नहीं होने से, महंगा होने के कारण उनको काफ़ी ये मेहनत करना पड़ता है, उनको लाना पड़ता है, खर्च भी बढ़ता है। तभी ज़रूरत है सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई व्यवस्था। सरकार की योजना है, इसमें झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जिरेडा के माध्यम से जोहार योजना के अंतर्गत। किसान भाइयों, सौर ऊर्जा चालित सिंचाई के लिए आपके पास 4 या 6 इंच का बोरवेल होना चाहिए। इसके अलावे सौर ऊर्जा संग्रहण और इस्तेमाल के सारे साधनों के लिए एक संरचना स्थापित करना होगा। इसमें लगे पैनल से ही सिंचाई पंप चलेगा। इसमें ईंधन के रूप में ना खनिज तेल की जरूरत होगी ना बिजली की।
लगाने के लिए सबसे पहले सब किसान भाई के पास 4 इंची या 6 इंची जो भी उनके पास बोरिंग है उसमें वो लगा सकते हैं। और ये उसके लिए स्ट्रक्चर एक भी सरकार की योजना में बनाना पड़ता है, और उस स्ट्रक्चर में पैनल सोलर पैनल जो होता है उसके द्वारा उसको एनर्जी बिजली मिलती है, और उस बिजली से पंप जो है चलती है जिससे उनको बिना किसी बिजली का बिना किसी ईंधन का वो पंप चला सकते हैं, और ये उनका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये सरकार की योजना है। जेरेडा एक संस्थान है झारखंड में, किसान भाई उस संस्था को आवेदन करेंगे और उसके लिए एक बैंक ड्राफ्ट जो किसान को देना है, किसान को जो अंशदान देना है उसको बैंक ड्राफ्ट बनाकर और आवेदन प्रपत्र में उनको जो पहचान पत्र है या उनका और भी जो ज़मीन का जो रसीद होता है उन सबों की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन का जो रसीद के साथ और उनका जो पहचान पत्र है और आवेदन को भरेंगे और जो उनका अंशदान है उसका बैंक ड्राफ्ट बनाकर डायरेक्टर जेरेडा जो उनका नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर और उस कार्यालय में जोहार योजना में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के माध्यम से आवेदन देंगे तो उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। राज्य के किसान इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जेरेडा कार्यालय में आवेदन दें, इसमें राज्य सरकार अनुदान देगी, लेकिन किसान भाइयों को जितना धन लगाना अनिवार्य है उतनी राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में जमा करें। इसके साथ जमीन के कागजात और पहचान पत्र भी जमा करें। सौर ऊर्जा आधारित पंप किसानों के लिए योजना है जिसमें उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उनके लिए उनको एक बोरवेल होना चाहिए, जो बोरिंग उनके पास है ये एग्जिस्टिंग है, जो बोरिंग उनके पास है अगर वो चाहते हैं उस बोरिंग में सौर ऊर्जा पर आधारित पंप लगाना चाहते हैं तो उनको आवेदन देना होता है जेरेडा का कार्यालय में, और जो इसमें आवेदन देने के बाद जो उनको सब्सिडी है जो उनका लाभुक का अंशदान है लाभुक का भी जो है जैसे 2 HP के लिए 5,000 रुपया, 3 HP के लिए उनका जो अंशदान है 7,000 रुपया, और जो 5 HP के लिए 10,000 रुपया, इसके लिए उनको बैंक ड्राफ्ट बनाकर और जेरेडा डायरेक्टर के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाने के बाद उस कार्यालय में जोहार योजना के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं तो उनको इस सौर ऊर्जा पर आधारित पंप जो व्यवस्था है उसका लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों, सौर ऊर्जा चालित सिंचाई व्यवस्था के सभी जरूरी घटक लगाना आवश्यक है। यदि टपक सिंचाई प्रणाली लगाना चाहते हैं तो फिर इनके भी सभी साधन उपकरण लगाएं। पूंजी एक बार लगेगी और वर्षों तक चलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कम लागत में अच्छी सिंचाई व्यवस्था की क्षमता रखता है। हाँ, सोलर जो पंप है उसमें मुख्य जो घटक है जैसे एक पैनल जो होता है उसमें पैनल होता है, पैनल के अलावे उसमें जो पंप है जैसे 2 HP का, 3 HP का या 5 HP का, और इसके लिए अगर वो ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप में भी उसमें जो बहुत से कंपोनेंट्स है उसके लिए पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन, सब मेन पाइपलाइन, लेटरल और ये ड्रीपर, ये अगर ड्रीप इरिगेशन लगाते हैं सोलर पंप के द्वारा तो इसमें इस तरह का उनको व्यवस्था करना होगा। और जो पंप अभी भी जो परंपरागत विधि में वो लगा रहे हैं जैसे बिलियर्स के द्वारा या इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा तो उसमें उनको काफ़ी खर्च भी होता है और उनको लागत भी ज़्यादा लगता है, लेकिन सौर ऊर्जा पर आधारित अगर वो पंप लगाते हैं तो ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से भी सब्जियों की खेती या अन्य फसलों की खेती वो कम लागत में करेंगे तो उनका आमदनी भी बढ़ सकती है और उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है। आसमान में बादल छाया हो, धूप बारिश का मौसम हो तो मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे पैनल की उचित देखरेख करते रहें, बीच बीच में पैनल की सफाई करते हैं। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था से धन और ईंधन
दोनों की बचत होगी। समस्याएं इसमें यही है कि कभी कभी आसमान में, खुले आसमान में जब बादल कभी कभी रहते हैं, तो उस समय जो उनको जो कैपेसिटी है पंप को चलाने के लिए, जितना बिजली की ज़रूरत होती है, वो कभी कभी बादल होता है, पानी होता है, तो उस समय उनको दिक्कत हो सकता है। या उनको और भी समस्या इसमें और कुछ मेंटेनेंस वगैरह में कभी कभी पैनल को साफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि वो सही उनको बिजली मिल सके। समय समय पर पैनल को साफ़ करते रहना पड़ेगा। अगर उसमें धूल जम जाएगा या उसमें और गंदगी हो जाएगी पैनल में, तो ये थोड़ा सा उसका एफिशिएंसी जो है पंप का, वो कम हो सकता है और उसमें उनको समस्या आ सकती है। ऐसे उनको आमतौर पर ऐसा कुछ इसमें समस्या ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। और भी जैसे डीजल पंप या इलेक्ट्रिक पंप में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसमें वैसा ज़्यादा समस्या नहीं है और वो कम खर्च में इसका फ़ायदा ले सकते हैं, अपना आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मौसम रुख बदल रहा है, जो किसान भाई बहन गर्मा लत्तेदार सब्जी फसल की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आज है खास बातें। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे गर्मा लत्तेदार सब्जी में समेकित कीट प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि अपने फसलों को कीट से बचाना सबसे आवश्यक होता है। तो आइए किसान भाई बहनों, बिना देर किए चलिए हम वृत्त चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। कद्दू, कोहड़ा, झींगी, नेनुआ, करेला, खीरा लत्तेदार सब्जी फसल है। इनकी मांग हरी सब्जी और सलाद के लिए सालों भर रहती है। बदलते मौसम में इनमें कीटों के प्रकोप की भी संभावना बढ़ जाती है। इनके रोकथाम के लिए समेकित कीट प्रबंधन करें। समेकित कीट प्रबंधन के तहत कीटनाशी दवा और बिना दवा के भी कारगर उपाय अपनाए जाते हैं। बगैर दवा के कीट नियंत्रण करने के लिए मिट्टी पलटहल से गहरी जुताई करें, रीज एंड फरो विधि से खेती करें, खेत में मल्चिंग करें। गर्मा लतेदार फसल है, इसमें हम लोग गर्मा लतेदार फसल माने आप जनवरी फरवरी में इसका रोपाई कर दिए होंगे और ये अभी वेजिटेटिव स्टेज और थोड़ा फ्लावरिंग इनिशिएट हो रहा होगा। अगर जो अगेती में लगा दिए, थोड़ा फ्लावरिंग इनिशिएट हो रहा होगा। इसमें आपका जो लौकी, झिंगी, नेनुआ, करेला, खीरा, कोहड़ा, ये सब आपका शामिल होता है। तो इसमें आपको सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अभी मौसम ऐसे चेंज हो रहा है। हमारा जो विंटर से लेके आपको समर का जो सीज़न का जो चेंज है, इसमें आपका जो टेम्परेचर का बहुत अंतर रहता है। तो इसमें हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है, जैसे कीट का प्रकोप ना हो, इसीलिए हमको पहले से ही हमको जो प्रिकॉशनरी मेजर लेना है वो सब लेके आगे चलना चाहिए। जो ऐसे आप पहले समर प्लोविंग जो करना है, जब आप रोपाई करते हैं, उससे पहले आपको जो इनिशियल में करना है, वो जो डीप प्लोविंग जो बोलते हैं, हल को 2-3 बार अच्छा तरह से चलाना चाहिए। उसमें क्या होता है, जितना कीट का जो लार्वा, प्यूपे जो भी होते हैं, अंडे होते हैं, ये सब मर जाता है और हमारा जो खेत है स्टेरलेस हो जाता है। और इसके बाद हम लोग को जो रिज एंड फर्रो मेथड जो बोलते हैं, इसमें जो पानी का जो जल निकास जो है अच्छा तरह से हो जाता है, तो इसीलिए आप रिज एंड फर्रो मेथड में कीजिए। और जो मल्च का शीट जो होता है वो भी डालिएगा, क्योंकि इसमें जो ब्लैक एंड सिल्वर जो डबल कलर होता है, सिल्वर कलर से जो इससे सूर्य रश्मि अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होता है, हमारा मिट्टी भी अच्छी तरह से टेम्परेचर बढ़ता है, जितना भी कीट का जो प्यूपे है, अंडे हैं, सब मर जाता है। और हमारा जो फ्रूट भी है, डायरेक्टली जो हमारे जो मिट्टी के साथ टच नहीं होता है, और इससे हमारा जो कीट का जो होता है, इसमें डैमेज होता है, हम लोग इसको कम कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जी फसलों की आरंभिक अवस्था में रेड पम्पकिन बीटल नामक कीट लगने का खतरा रहता है। ये कीट पौधों की पत्तियाँ, फूल और जड़ को खाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए पत्तियों पर राख का भुरकाव करें। राख के साथ मिट्टी तेल या इंडेक्सो कॉप दवा या नीम का तेल भी मिलाकर भुरकाव कर सकते हैं। जो कि कद्दू वर्गी में बहुत सारे हम लोग सलाद के रूप में भी खाते हैं, हमको पहले से ही सावधान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, इसका जो रेसिड्यू इफेक्ट होता है हमारा जो स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। तो हम लोग को 7 दिन का वेटिंग करना पड़ता है हार्वेस्ट करने से पहले। और जो हमारा जो शेड्यूल है, पहले से बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है, कल्चरल कंट्रोल जो होता है, और
केमिकल कंट्रोल जो होता है, तीनों को फॉलो करना है। पहले जो ने कल्चरल मेथड में मैंने जो बता दिया, डीप प्लविंग जो करना है, मल्च को यूज़ करना है और जल निकास को अच्छा तरह से रखना चाहिए। अगर बायोलॉजिकल मेथड में जाएंगे, हम लोग के पास तरह तरह का ट्रैप्स है, जैसे आपका फल का मक्की के लिए हो जाएगा, आपको क्यू लूर ट्रैप करके एक है, इसको लगाने से आपका जो फल का मक्की जो है इसमें फंस जाता है और मर जाता है। इसमें छोटा सा खीरा को हम सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं, कद्दू और करेला से जूस भी निकाला जाता है, इसलिए इन पर कीट नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा के छिड़काव से बचें। थ्रीव्स और माइट के रोकथाम के लिए जैविक विधि के तहत नीम के तेल का इस्तेमाल करें, जबकि फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए ट्रैप लगाएं। ट्रैप पर गुड़ और मोलाथियोन दवा का लेप लगाना ज्यादा कारगर होगा। थ्रीव्स के लिए ब्लू या येलो ट्रैप लगा सकते हैं। हमारा जो कद्दू वर्गी है, कीरा हो गए, ये सबसे ज़्यादा सलाद में इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हम लोग पहले से ही प्रिकॉशनरी जो स्प्रेइंग होता है, हमारा जो नीम सीड ऑयल का जो मिलता है मार्केट में, लगभग ये 1500 ppm का मिलता है, 3 से 4 ml का आप एक प्रति लीटर पानी में मिला के इसको पिचकारी करना है, और पत्ता का नीचे के साइड से भी आपको पिचकारी करना है। ये 15 दिन के अंतर में आपको, जब से पत्ता शुरू हो जाता है, आपको महीना में 2-3 बार करते रहेंगे तो इसमें आपको अच्छा कंट्रोल होता है और हमारा जो स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसके बाद जो हमारा ट्रैप्स होते हैं, जैसे ब्लू ट्रैप और येलो ट्रैप, जो स्टिकी गम ट्रैप बोलते हैं, मार्केट में मिलता है, नो यू कंपनी का मिलता है, इसमें हमको एक पैकेट में 50 पीस मिलता है और इसके साथ जल भी देते हैं। इसको डाल के हम अगर 50 पीस को लगा देंगे प्रति एकड़, जो छोटे छोटे जैसे थ्रिप्स हो गए, माइट्स हो गए हैं, ये जो तरह तरह का कीट जो है इसमें चिपक जाता है, और इसका कंट्रोल हम इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फल मक्की जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इससे फ्रूट का शेप भी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए हमको इसको पहले से ही सावधान रहना है। जैसे गुड़ हो गया, गुड़ और मेलाथियन दोनों को मिला के अगर ट्रैप में लगाएंगे तो इसका कंट्रोल होता है। और ल्यूर ट्रैप्स करके मिलता है, ये भी लगभग 10 से 15 प्रति एकड़ में आपको लगाएंगे तो इससे भी आपको फल मक्की का कंट्रोल कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जी फसलों का फल टेढ़ा और विकृत ना हो, इसके लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था रखें, साथ ही पौधों को मुख्य पोषक तत्वों सहित सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपलब्ध कराने वाले उर्वरक दें। जबकि फल मक्खी के रोकथाम के लिए ल्यू ट्रैप लगाएं और गुड़ के साथ मेलाथियन दवा का उपयोग जरूर करें। लत्तेदार सब्जियों में आप देख सकते हैं टेढ़ापन आता है, इसमें आपको बहुत तरह का होता है, जैसे अगर पानी का भी व्यवस्था ठीक नहीं होता है, इसमें भी आपको टेढ़ापन आता है। और फर्टिलाइजर शेड्यूल जो होते हैं, सब लोग पहले जो इनिशियल बेसल डोज है वो डाल के छोड़ देते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इसमें इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन का भी बीच में आपको इसको प्रोवाइड करना है, ये सब सावधानी रखना चाहिए। और इसके अलावा जो फल मक्की, जो मैं बोलती हूँ फल मक्की, इसका जो एडल्ट है ये आके आपका फल के ऊपर इसका जो अंडा है अंदर घुसा देता है, तो इससे क्या होता है, अंदर वो अंडा हैच होके लार्वे आते हैं और लार्वे पूरा फल को खा लेता है। इससे क्या होता है, आपका फल का जो डिफॉर्मेशन बोलते हैं, मार्केट में भी आपको वैल्यू नहीं मिलता है, तो इसको पहले से ही आपको सावधान रहना चाहिए। जो मैंने पहले भी बता दिया, जो ट्रैप मिलता है लूर ट्रैप करके बोलते हैं, इसको आपको 10 से 15 पीस आपको प्रति एकड़ में लगाना चाहिए। और हमारा गुड़ और मेलाथियन का भी हर एक जगह आपको लगाने से आपका फील्ड में इसका भी, इससे भी कंट्रोल हो जाता है। आज के अंक में इतना ही, फिर आपसे यूं ही बातें करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।